वाराणसी में विद्या भारती द्वारा प्राकृतिक पूजन कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा आयोजित प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम विद्या भारती भवन गुवाहाटी में संपन्न हुआ। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर असम प्रांत के व्यवस्था प्रमुख श्री हरि मुंडा जी, विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री श्री विकास शर्मा जी व अन्य कार्यकर्ताओं ने पूजन करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह कार्यक्रम है वह भी सर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन जीने का तरीका था या है अभी भी बहुत मात्रा में प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्यों को जीना है ऐसा मानता है। वो तरीका प्राकृतिक मनुष्य के उपभोग के लिए है, प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका, और ऐसा हम गत 200-250 वर्षों से जी रहे हैं, उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, उसकी भयावहता अब दिख रही है। ऐसा ही चला तो इस सृष्टि में जीवन जीने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि सृष्टि ही नहीं रहेगी, और इसलिए मनुष्य अब विचार करने लगा तो उसको लगा कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। गुवाहाटी के कालीपुर में स्थित आनंद निकेतन ट्रस्ट भैरवी आश्रम में भी प्राकृतिक पूजन कार्यक्रम किया गया। वृक्षों को पूजन कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।